Assalamu alaikum from Cheyenne TV, and I am Dr. Shaukat with a new video on chemistry. The topic of this video is Boyle's law. We will discuss Boyle's law on the basis of molecular kinetic theory and explain it with the help of mathematics and graphical representation. This video will be helpful for class 9 first year O level and A level student. Kindly subscribe our channel, like our video, like about you do and help in this way. Inshallah, we will do our best to solve your problem. If you have any problem in chemistry, physics, math, then kindly email us. We will solve it and give the reply. Inshallah. गैस की अहम प्रॉपर्टी है कि गैस जो है जब भी उस पर दबाव डाल जाए वो गैस सिकुड़ती है, यानी गैस में के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है। इस वजह यह है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गैस डिस्टेंस होने की वजह से जब भी उस पर प्रेशर डालेंगे गैस के मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएंगे। इस गैस की इस खुशियत को सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने ये इंट्रोड्यूस किया था, और उसने इसको एक कानून की शक्ल दी। इस कानून के मुताबिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और मास की सूरत में गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन पाया जाता है जबकि टेम्परेचर और मास कांस्टेंट हो। पिछली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है उसके प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। अगर हम वॉल्यूम को वी से और प्रेशर को पी से जाहिर करें तो हम एक रिलेशन, मैथमेटिकल तौर पर एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में इस पर बात करेंगे। अब हम प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन बनाएंगे, ये वॉल्यूम को वी से और प्रेशर को पी से जाहिर करेंगे। देखिए पहले इक्वेशन में वी इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू प्रेशर है, यानी वी वॉल्यूम इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास के। अच्छा, साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाने के लिए दूसरे इक्वेशन में हमने एक कांस्टेंट डाला। अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो तीसरे में हो जाएगा वी इक्वल टू के अपॉन पी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी इक्वल टू के, यानी पी वी जो कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन या इतला के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और मास पे गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हम एक मैथमेटिकल चार्ट पर गौर करते हैं। इसमें आप देखिए कि हमने ये प्रेशर और वॉल्यूम का एक एग्जांपल लिया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। लेकिन हम अगर देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी पी वी हमेशा कांस्टेंट है। तो क्यों कांस्टेंट है? और जैसे सात स्टेप पे मुख्तलिफ ये जो एक मिसालें ली गई हैं, इस हर मिसाल में आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इससे पिछले एग्जांपल से ये बात वाजा हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए आगे मुख्तलिफ कंडीशन में करते हैं, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, यानी स्टेज वन, यानी स्टेज टू, स्टेज थ्री, तो हमेशा जो है प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देखिए पी वन वी वन इक्वल टू के, पी टू वी टू इक्वल टू के, यानी कि हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, क्योंकि कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू आएगी हर सूरत में इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे अगर हम देखते हैं तो अगर हम ये वॉल्यूम और आपके प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाए तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ये जाहिर करता है कि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम वॉल्यूम और वन अपॉन पी के दरमियान ग्राफ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इससे भी जाहिर होता है कि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। ये देखिए मुख्तलिफ ग्राफ है। अगर हम पी और वी के दरमियान जिस सूरत में भी ग्राफ बनाए एक पैराबोलिक आएगा। पी को अगेंस्ट वी कर दें या वी को अगेंस्ट पी कर दें, ग्राफ तकरीबन वही आएगा। इसी तरह हम वन अपॉन वी को पी के अगेंस्ट या पी को वन अपॉन वी के अगेंस्ट करें, दोनों सूरतों में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इस स्लाइड में एक ग्राफ है जो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ है, जो इनके जाहिर करता है कि इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है।
देखिए पहले एग्जाम्पल में देख अगर हम देखते हैं तो प्रेशर 4 एटमोसफेयर है, वॉल्यूम 1 लीटर है, और इनका प्रोडक्ट यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 4 लीटर एटमोसफेयर है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, यानी प्रेशर है 2 एटमोसफेयर और वॉल्यूम है 2 लीटर। इनका हासिल द्रव यानी प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल द्रव जो है 4 लीटर एटमोसफेयर है। अगेन हम देखते हैं तो अब प्रेशर जो है वो हो जाता है 1 एटमोसफेयर और वॉल्यूम 4 लीटर हो जाता है। तो पीवी जो है दोबारा अगर हम देखेंगे तो वो 4 एटमोसफेयर पर लीटर है, 4 एटमोसफेयर पर लीटर। तो इससे जाहिर होता है कि देखिए इन्वर्स रिलेशन भी जाहिर हो गया और प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये भी प्रूव हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ करते हैं। रॉबर्ट बॉयल्स ने अपने कानून की तस्दीक के लिए एक जे शेप ग्लास ट्यूब इस्तेमाल किया। इस जे शेप ग्लास ट्यूब का छोटा आर्म जो बंद होता है यानी छोटा बाजू बंद होता है, जबकि मरकरी को बड़े बाजू से ट्यूब में दाखिल किया जाता है। तो एयर की कुछ मकदार छोटे बाजू जो कि बंद होता है इसमें ट्रैप हो जाता है। जब दबाव बढ़ाने के लिए बड़े आर्म में मज़ीद मरकरी डाला जाता है तो छोटे आर्म में एयर जो है कम हो जाता है और दब जाता है और उसके अपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह जैसे जैसे हम ये मरकरी की मकदार बढ़ाते जाएंगे ट्रैप एयर का वॉल्यूम कम होता जाएगा। इससे ये बात जाहिर होता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। इसीलिए ये बॉयस ने कहा था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, इसमें एक जे शेप ट्यूब इस्तेमाल किया गया है। देखें पहले एग्जांपल पे एयर की मकदार आप देख लें, अगर हम इसको वी लेते हैं तो दूसरे पे देख लें जब 760 mm प्रेशर है तो वॉल्यूम हाफ हो गया। अब जैसे ही हमने जो है ना वो मरकरी मजीद डाला और वॉल्यूम ये प्रेशर को हम लेके गए 1520 mm पे तो वॉल्यूम मज़ीद कम होकर के ये 1/3 हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा जबकि मास कांस्टेंट ही है। इस तरह इस तजुर्बे से ये बात जाहिर हो जाती है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा, गैस अपना वॉल्यूम रिड्यूस करता जाएगा। और इससे हम इंतजा अखज कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ़ मास एंड टेम्परेचर आर कीप्ड कॉन्स्टेंट। किसी भी वेसल में जो गैस के मालिक्यूल ट्रैप होते हैं उस पर जब दबाव बढ़ा जाता है तो इनके इंटर एटोमिक डिस्टेंस में कमी आ जाती है और वो आपस में करीब के मालिक्यूल जो है गैस के मालिक्यूल आपस में करीब करीब हो जाते हैं और अपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं। इस तरह से जो है जब भी प्रेशर बढ़ेगा इनके दरमियान इंटर एटोमिक डिस्टेंस कम हो जाएगा और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बॉयल्स के ला के कुछ लिमिटेशन है, ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे दूसरी तरह से काम नहीं करता। वजह यह है कि अगर हम इसको इस चीज़ को इसकी वजह को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी क्लास से देखें तो हम ये देखें कि हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में यह है कि गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब लो प्रेशर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये बहुत करीब करीब आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कि जब प्रेशर आपको बढ़ाएंगे तो भी मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाते हैं। जब बहुत करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ा मामूली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें थोड़ा सा ये क्रिएट हुआ है वही चीज़ डिवेशन का सबब है। इसी वजह से बॉयल्स के लॉ जो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसका इतलाक बहुत दुरुस्त तरह से नहीं हो पाता। आम ज़िंदगी में कई जगह हम बॉयल्स लॉ का इतलाक देखते हैं और बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन जो है जा बजा नज़र आता है। फ़र्ज़ क्या है कि हम सबसे पहले अपने लंग्स के फंक्शन पर गौर करते हैं तो लंग्स जो है सुकड़ता है और फैलता है। जब ये फैलता है तो एक लंग्स के अंदर एक लो प्रेशर जोन कैम होता है। लो प्रेशर जोन में जो है
एयर दाखिल हो सकता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है तो एयर दाखिल हो सकता है। इसी तरह जब ये प्लंग सिकुड़ता है तो उसमें से एयर बाहर निकलता है। इस तरह से लंग्स फैलने या सिकुड़ने के अमल के दौरान गैस ये मुख्तलिफ अवकात में लो जोन और हाई जोन पे होता है। जब सिकुड़ता है तो हाई जोन प्रेशर का हाई जोन कैम हो जाता है, जब फैलता है तो लो प्रेशर जोन कैम हो जाता है। और लो प्रेशर जोन में गैस दाखिल होती है, हाई प्रेशर जोन पे गैस ये लंग्स से निकलता है। इस तरह से लंग्स में बॉयल्स के कानून का इतलाक नज़र आता है, ये लंग्स नज़र। इसी तरह हम सिरिंज पर गौर करते हैं, जब हम उसके प्लेंजर को बाहर निकालते हैं तो सिरिंज के अंदर एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। और गैस ये एयर के मॉलिक्यूल या जो भी एयर के मॉलिक्यूल या कुछ एयर के मॉलिक्यूल इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सोडा कैन है, सोडा कैन में जो है ये कोक वगैरह जो है प्रेशर के साथ फिल होता है। देखिए जैसे ही हम उसको ओपन करते हो तो आप देखें कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ये बाहर की तरफ आता है, बाजू का लिक्विड भी जो है बाहर आ जाता है। तो ये अंदर ज़्यादा प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ आता है। ये गैस के मॉलिक्यूल हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यही वजह है कि वो अपने साथ बाजू का लिक्विड भी ले आते हैं। इस तरह बाइसिकल के पंप की करते हैं, जो बाइसिकल के पंप को आप दबा के अगर प्रेशर एग्जिट करते हैं तो वहाँ से ये एयर के मॉलिक्यूल पंप से निकल करके टायर में दाखिल हो जाते हैं। और जब हम दोबारा से खींचते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है पंप के अंदर, और वहाँ उसमें पंप के अंदर जो है एयर के मॉलिक्यूल समा जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल अपनी जगह बना लेते हैं। दोबारा जब आप प्लंजर को दबाते हैं तो उसमें से एयर के मॉलिक्यूल पंप में से निकल के टायर में दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह से पंपिंग के दौरान हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता रहता है। पंप के दौरान हाई प्रेशर जोन जब क्रिएट करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकलता है, लो प्रेशर जोन के जब क्रिएट होता है, जब खींचते हैं प्लंजर को तो उसमें एयर के मॉलिक्यूल दोबारा अपनी जगह बना लेते हैं, और आपके दबाने से आप हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और एयर के मॉलिक्यूल पंप से निकल के टायर में चले जाते हैं। इस तरह अगर हम तैराक पर गौर करते हैं, तैराक जब पानी के अंदर चले जाते हैं तो उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से उनका लंग सिकुड़ जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, एयर की मिकदार कम हो जाती है, उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए जब ऊपर आते हैं तो उनकी सांस लेने में थोड़ी नॉर्मल होती है। वजह यह है कि जब ऊपर आते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उन पर कम होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उनके ऊपर कम हो जाता है, पानी की मिकदार कम होती है। तो अब जब पानी की मात्रा कम होगी तो वो बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि अंदर अब उनका जो लंग्स है वो फैला है, फैलने की वजह से उसने लो ये प्रेशर जोन कैम किया और वहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार बढ़ी है, गैस की मकदार बढ़ी है और गैस ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है।